सो हाय गाइस, मेरा नाम है रीश और आप देख रहे हैं मेरे चैनल पास पे स्टोरीज बारी। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर आप सभी का। ये जो साल है काफी अच्छा रहे और पहले वाले साल से बेहतर रहे। दोस्तों बात करें माल्टा की तो मुश्किलें काफी चल रही हैं, लेकिन अब नया साल आया है, नई उम्मीदों के साथ हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो 31 दिसंबर 2022 को माल्टा के जो BFS पोर्टल है, BFS ग्लोबल की वेबसाइट, वहां एक इन्फॉर्मेशन आई है जिसके बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन उसे हम समझेंगे और वीडियो में एंड तक अपॉइंटमेंट से रिगार्डिंग हो रहे स्कैम्स के बारे में बात करेंगे। तो आपको बनना है वीडियो में एंड तक, बिना टाइम को वेस्ट किए हम टेक ऑफ करते हैं। सो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आप जहां भी होंगे इसे भी होंगे सेफ होंगे। तो गाइस, माल्टा से पहले एक बार हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्रोशिया की, क्योंकि काफी सारे लोग क्रोशिया की वीडियोस डिमांड कर रहे हैं और काफी सारे लोग जो माल्टा के लिए अप्लाई कर रहे थे वो क्रोशिया भी मूव होना चाहते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि क्रोशिया जो है शेंगेन का पार्ट बन चुका है। वहां इंडियंस के लिए काफी सारी हायरिंग है, पे आउट अच्छा है, यूरो में आपको वहां पे मिलने वाला है और कंट्री भी काफी अच्छी है, शेंगेन का हिस्सा वो बन चुका है। तो काफी सारे लोग क्रोशिया भी मूव हो रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा क्रोशिया भी अच्छा ऑप्शन है अगर आप माल्टा को ड्रॉप करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं हम क्रोशिया वर्क परमिट के ऊपर वीडियो बनाए, वैसे तो काफी सारी वीडियोज अवेलेबल है इंटरनेट पर, लेकिन अगर आप चाहते हैं हम क्रोशिया जॉब्स या क्रोशिया वर्क परमिट के ऊपर वीडियोस बनाए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर बात करें हमारे जो माल्टा वाले टॉपिक की, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा अपॉइंटमेंट से हो रहे स्कैम के बारे में, जिसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूं। तो होता क्या है कि अपॉइंटमेंट मिलती नहीं है और लोग जो है पैसे दे दे के अपॉइंटमेंट खरीद लेते हैं जल्दी जाने के चक्कर में, और कई लोगों के साथ स्कैम हो जाता है। सो दोस्तों VFS ग्लोबल को भी ये चीज पता लगी, पता तो काफी टाइम से थी, लेकिन उनको ये लाइव प्रूफ मिला और उसके बाद उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ये आर्टिकल पब्लिश किया कि हम कभी भी VFS ग्लोबल एज हम कभी भी अपॉइंटमेंट को बेचते नहीं, हमारी जो अपॉइंटमेंट रहती है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस देती है, मतलब पहले आओ पहले पाओ बेसिस पे हम अपॉइंटमेंट्स देते हैं VFS की, ना कि हम किसी को अपॉइंटमेंट बेचते हैं। तो अगर कोई बेचता है VFS के नाम से अपॉइंटमेंट तो वो गलत है। सो दोस्तों ये स्टेटमेंट जो है ऑफिशियल VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे आया है, मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको ये पता लगे कि अपॉइंटमेंट्स कभी बिकती नहीं है या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये लोग देते हैं। अगर की स्क्रीन पे भी आ गया होगा, इसमें कहते हैं अपॉइंटमेंट्स एट VFS ग्लोबल आर फ्री, एक्सरसाइज कॉशन विद ट्रैवल एजेंट्स एज VFS ग्लोबल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। तो अगर ट्रैवल एजेंट्स आपके साथ कोई भी गलत एक्सरसाइज करते हैं तो उसके लिए VFS ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू बी अवेयर ऑफ फ्रॉडलेंट एंटिटीज हु चार्ज फीस फॉर शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट्स यूजिंग VFS ग्लोबल्स नेम और इंडिपेंडेंटली। तो एप्लीकेंट्स उन सबसे बच के रहें जो VFS का नाम यूज करके अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और आपसे पैसे लेते हैं। वीजा अपॉइंटमेंट्स आर अवेलेबल ऑनलाइन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस एज पर डायरेक्टिव्स ऑफ क्लाइंट गवर्नमेंट्स। वी सर वही वाली बात है कि गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आपको अपॉइंटमेंट देते हैं जो कि एकदम फ्री रहती है। वी डू नॉट चार्ज एनी एडिशनल पेमेंट फॉर शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने का कोई चार्ज नहीं है। एज रिस्पॉन्सिबल सर्विस प्रोवाइडर वी मेक एफर्ट टू इन्फॉर्म एप्लीकेंट्स टू बी अवेयर ऑफ फ्रॉडलेंट थर्ड पार्टी एंटिटीज हु चार्ज फीस फॉर कस्टमर फॉर शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों ये इनका स्टेटमेंट है, लेकिन गाइज ये जो स्टेटमेंट है ये अपॉइंटमेंट ना मिलने की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन तो नहीं है ना, ये तो सिर्फ एक चेतावनी आप लोगों को दे रहा है VFS कि अगर आप अपॉइंटमेंट पैसे दे के खरीदते हैं तो उसके बच के रहिए। लेकिन यहां भी ये कोई इस चीज का सॉल्यूशन थोड़ी है कि अपॉइंटमेंट मिल जाएगी इससे, भाई प्रॉब्लम तो ये है कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही और अपॉइंटमेंट ये आगे से ये लोग जो है उसको धीरे धीरे रिलीज करते हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए ओपन होता है पोर्टल, उसके बाद तो फिर वही दिखाता है अपॉइंटमेंट नॉट अवेलेबल अपॉइंटमेंट नॉट अवेलेबल। तो इस चीज का सॉल्यूशन तो ये बिल्कुल नहीं है, मैं ये चीज मानता हूं ये चीज एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन दोस्तों एटलीस्ट अगर हम कहीं कुछ पा नहीं रहे तो कुछ खोए तो ना कम से कम। तो वो वाली बात है, अगर आप अभी भी मतलब है क्यू में और वेट कर रहे हैं तो ये प्लीज आप इन जो फ्रॉड है इस तरीके के फ्रॉड्स में ना फंसे। तो दोस्तों आगे जो अपडेट आएगी माल्टा की हम आपको देते रहेंगे, और मैं सोच रहा हूँ क्रोशिया के वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँ, काफी सारे लोग इंटरेस्टेड हैं उसमें। ये छोटा सा वीडियो था आज का, बस आप इससे बच के रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें मिलता है मोटिवेशन और आपको मिलते रहेंगे रियल टाइम नोटिफिकेशन। मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो, तक के लिए बाय।